राशिद खान को 10 करोड़ देंगे रतन टाटा, टीम इंडिया की शानदार पारी पर क्यों है चुप, क्या रोहित को भी देंगे इनाम। अफगानिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप में पिछड़ा पाकिस्तान, अब बाबर के सामने नई मुश्किल, प्राइवेट चैट हो गई लीक। राशिद ने उठाया तिरंगा तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट, ICC ने लगाया 55 लाख का जुर्माना, क्या है नियम। क्या रतन टाटा भी वर्ल्ड कप का आनंद ले रहे हैं? पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम की कौन सी प्राइवेट चैट लीक हुई है जिससे पढ़ते ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया है? उस चैट में ऐसा क्या लिखा है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है? ये वो 3 सवाल हैं जिसका जवाब हर क्रिकेट फैंस जानना चाहेगा। तो सबसे पहले आपको चैट पढ़वाते हैं, फिर बताते हैं कि रतन टाटा और राशिद खान की 10 करोड़ वाली बात कहां से आई। ये बाबर आजम की व्हाट्सएप चैट है। जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ से एंकर ने पूछा कि आप बाबर के मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी बाबर से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड के CEO सलमान नासिर से बाबर की बात हुई थी। ये उसी की चैट है जिसमें वो बाबर से पूछते हैं, सलमान नासिर, बाबर TV और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि आप चेयरमैन को फोन कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आपने उन्हें हाल ही में फोन किया है? बाबर आजम, सलाम सलमान भाई, मैंने सर को कोई कॉल नहीं की है। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बवाल बढ़ने पर इस चैट को फेक बताया, पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्या करने की कोशिश हो रही है। PCB चेयरमैन ने ही अगर इसे लाइव इंटरव्यू में एंकर के साथ में शेयर किया तो फिर ये फेक कैसे हो सकता है। खैर पाकिस्तान की अपनी पीड़ा है, टीम से लेकर बोर्ड तक बवाल मचा हुआ है, खासकर जब से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम हारी है तब से एक अलग तरह का माहौल बन गया है। पाकिस्तान टीम का जोश इतना डाउन हो गया है कि वो शायद अब जल्द से जल्द देश लौटना चाहेंगे। लेकिन इसी जीत के दौरान अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने जो किया वो हैरान करने वाला कदम था। वो तिरंगा लेकर लहरा रहे थे जिसे देखकर कई पाकिस्तानियों को पीड़ा पहुंची। सोशल मीडिया पर ये तक दावा किया गया कि राशिद खान ने तिरंगा लहराया तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शिकायत ICC से कर दी। उसके तुरंत बाद ही रतन टाटा के नाम का एक ऐसा पोस्ट आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये वही पोस्ट है जिसमें लिखा है कि अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने तिरंगा लहराया तो ICC ने उन पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये खबर सुनते ही रतन टाटा ने राशिद खान को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लोग रतन टाटा की तारीफ करने लगे। टाटा देशभक्ति के कामों में सबसे पहले आते हैं, इसीलिए लोगों ने रतन टाटा को तुरंत भारत रत्न देने की मांग फिर से उठा दी। इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि क्या टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा को भी रतन टाटा इनाम देंगे। ये पोस्ट वायरल होते होते जब रतन टाटा के पास पहुंची तो उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज लिखा जिसमें लिखा था, मैंने ICC या फिर अन्य किसी क्रिकेट संस्था को किसी भी खिलाड़ी को जुर्माना या पुरस्कार देने संबंधी कोई राय नहीं दी है, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, कृपया ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इस तरह की वीडियो पर कभी विश्वास न करें जब तक कि वो मेरे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से न आए। इसी के साथ ही रतन टाटा ने ये भी साफ कर दिया कि पूरा देश भले ही वर्ल्ड कप के खुमार में व्यस्त है पर वो मुंबई के अपने 2 BHK वाले कमरे में बैठकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप रतन टाटा की इस सफाई पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हरकत पर आप क्या कहेंगे।